नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एक्सरसाइज सेवंथ ई. सो सेवंथ ई हैज 1 to 9 क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम विद मिक्सड ऑपरेशन. सो वी विल डू रीड केयरफुली एंड देन वी विल सॉल्व. सो फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स ए एंड बी. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व ए पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सो ए पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज 936. स्टूडेंट यहाँ स्मॉलर नंबर दिया है दो नंबर्स में से. जो स्मॉलर नंबर है दो नंबर में वो है 936. फाइंड देयर प्रोडक्ट्स इफ देयर सम इज 2360. हमें प्रोडक्ट बताना है दोनों नंबर का. इफ देयर सम अगर उन दोनों का सम है 2360. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द बिगर नंबर ऑफ बोथ नंबर. देन वी विल डू फाइंड आउट द देयर प्रोडक्ट. सो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट ए क्वेश्चन. स्मॉलर ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 936. सम ऑफ बोथ नंबर इक्वल्स टू 2360. नाउ वी विल फाइंड आउट द बिगर नंबर. बिगर नंबर इक्वल्स टू 2360 माइनस 936. इट विल बी 1424. नाउ बोथ नंबर वी हैव. सो वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर 936 एंड 1424. व्हेन वी विल मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 13,32,864. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इज द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज 710. दो नंबर में ग्रेटर नंबर दिया है 710. हमें प्रोडक्ट बताना है जबकि उनका डिफरेंस दे रखा है 420. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें स्मॉलर नंबर निकालना होगा देन उनके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट. सो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट. ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 710. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 420. सो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 710 माइनस 420. इट विल बी 290. नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 710 मल्टीप्लाई बाई 290. वैन वी डू मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 2,05,900. इट दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन टू हैज ऑल्सो गिवन टू पार्ट. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19,314. दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ 19,314. इफ वन ऑफ देम 74 अगर उनमें से दो नंबर में से एक नंबर 74 है तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर. तो हमें दोनों नंबर का सम बताना है. सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स हमें दूसरा नंबर निकालना होगा और दूसरा नंबर निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का डिवाइड वन नंबर से करना होगा. देन उसके बाद में हमें दोनों नंबर का सम निकालना होगा. तो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. 2A प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 19,314. वन ऑफ देम इक्वल्स टू 74. सो अदर नंबर इक्वल्स टू 19,314 डिवाइडेड बाई 74. When we will divide it 19,314 by 74, it will be 261. So this is the other number. Now we will find out the sum of both numbers. So the sum of both number equals to 74 plus 261. It will be 335. Now part B of question number 2 is the product of two numbers is 48,516. Find their difference. इफ वन नंबर इज 39. स्टूडेंट यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 48,516 और हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना है अगर एक नंबर उसमें से 39 है. तो सेम हम सेकंड नंबर निकालेंगे. पहले सबसे पहले 39 का डिवाइड 48,516 में करके देन उसके बाद में हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 48,516. वन नंबर इक्वल्स टू 39 इज गिवन. अदर नंबर इक्वल्स टू 48,516 डिवाइडेड बाई 39. व्हेन वी विल डिवाइड इट 48,516 बाई 39 इट विल बी 1,244 द अदर नंबर. नाउ वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर. सो वी विल राइट
difference of both number equals to 1244 minus 39, it will be 1205. This is the answer. Now question 3. On Children's Day पर 124 children and 8 teacher went to an amusement park. Children's Day पर 124 children और 8 teacher एक पार्क में गए. The entry ticket for a child was ₹35. जो एंट्री टिकट थी वो चाइल्ड के लिए थी, एक चाइल्ड के लिए ₹35. एंड दैट फॉर अ टीचर वॉज ₹4.50 और एक टीचर के लिए थी ₹50. सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स. सो हमें टोटल टिकट्स की कॉस्ट बतानी है. तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट 124 का मल्टीप्लाई 35 से करना होगा, बिकॉज चाइल्ड हैं 124 और एक चाइल्ड की टिकट की कॉस्ट है 35. सो हमें टोटल टिकट की कॉस्ट निकल आएगी या चाइल्ड की 124 मल्टीप्लाई बाय 35. देन उसके बाद हम स्टूडेंट टीचर की टिकट्स की कॉस्ट निकालेंगे. तो टीचर हैं 8 और एक टीचर की टिकट की कॉस्ट है ₹50. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ से टीचर्स के टिकट्स की कॉस्ट निकल आएगी. देन उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स की आ जाएगी. इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट चिल्ड्रंस इक्वल्स टू 124 कॉस्ट ऑफ टिकट्स ऑफ ए चाइल्ड ₹35. सो कॉस्ट ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई बाई 35, इट विल बी 4340 रुपीज़. नाउ टीचर इक्वल्स टू 8, कॉस्ट ऑफ टिकट्स अ टीचर ऑफ ए टीचर इक्वल्स टू ₹50. कॉस्ट ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 50, इट विल बी 400 रुपीज़. नाउ वी विल राइट टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू 4340 प्लस 400, इट विल बी 4740 रुपीज़.